हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो आप लोगों के बहुत काम का है, क्योंकि आप सभी बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैं आपके लिए पूजा थाली बनाऊं। तो आज मैंने जो पूजा थाली बनाई है वो एक नहीं दो दो बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो थाली सबसे ज्यादा आपको पसंद आ रही है उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले कलर कर रही हूँ। ये एनामिल कलर है जो सूखने में टाइम लेता है। थाली के साथ में हम रोली चावल की छोटी छोटी बाउल हैं, उनको भी मैंने कलर कर लिया है। साथ में एक छोटा सा लोटा है, उसे भी मैंने कलर करके रख लिया है। और जब कलर हमारा ड्राई हो गया उसके बाद मैंने एक छोटा सा डिजाइन ड्रॉ करके रखा है। डिजाइन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बस बीच में स्वास्तिक बनाया है और चारों तरफ मैंने हाफ सर्कल बनाया है और राउंड पर मैंने यहाँ पर गोल्डन और ब्लू कलर की चेन लगा ली है। थाली के अंदर कुंदन वर्क बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने ग्लू लगाकर अच्छे से कुंदन को सेट कर दिया है। और मैंने यहाँ जो डिजाइन बनाया है उसके अंदर बिग मिरर लगा करके स्टार्ट किया है। चारों तरफ बॉल चेन लगाई है, साथ में मैंने कॉर्न वर्क किया है। आज मैंने कलरफुल कॉर्न का यूज किया है क्योंकि थाली के अंदर कलरफुल कॉर्न और व्हाइट कॉर्न सारी ही अच्छी लगती हैं। डिजाइन के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसे कॉर्न का डिजाइन दे सकते हैं। मैंने बहुत हल्का और थोड़ा थोड़ा डिजाइन ही दिया है। थाली के अंदर अगर आप कुंदन, मोती, बॉल चेन इनका अगर आप लुक देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ तिलक मोती भी लगाया है। चाहे तो आप मिरर भी लगा सकते हैं इसकी जगह। और ये जो मैंने पैटर्न बनाया है इसी पैटर्न से मैंने चारों तरफ का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। बीच में मैंने जो स्वास्तिक बनाया है उसे मैंने गोल्डन बॉल चेन से तैयार किया है। थाली को थोड़ा और सुंदर लुक देने के लिए मैंने चारों तरफ हाफ मोती लगाए हैं और उसके ऊपर मैंने बॉल चेन लगाई है। फ्रेंड्स, थाली के अंदर जो हमारी किनारी होती है ऊपर की साइड, उस पर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक बेल का डिजाइन दिया है जिसे मैंने येलो कलर की कॉर्न से बनाया है। राउंड में अगर हम बेल का डिजाइन या चेक का डिजाइन देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, बट मैंने यहाँ बेल का डिजाइन दिया है। स्वास्तिक में जब मैंने बॉल चेन लगा ली थी तो उसके बाद एजिटिस छोड़ दिया था और अब भी मैंने कुंदन लगा दिए हैं। मैं आपके साथ में ये जो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले तो ऐसा दिमाग में नहीं था कि आपको बताऊं, या जब मैं ये थालियाँ बना रही थी तब कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था कैसे डिजाइन बनाना है, कैसे देना है, क्या करना है, क्योंकि ये थाली का वीडियो मैंने थोड़ा टाइम पहले बनाया था। उस टाइम मैंने इकट्ठी 15 थाली बनाई थी जिसके अंदर 7 थाली के अंदर एक डिजाइन दिया था और 7 थाली के अंदर मैंने दूसरा डिजाइन दिया था। तो स्वास्तिक भी यहाँ मैंने कम्प्लीट कर लिया है और उसके बाद में जो छोटी छोटी बाउल है जो हम रोली और चावल के लिए रखते हैं उसके अंदर भी मैंने छोटा सा स्वास्तिक बनाकर डिजाइन बना लिया है। छोटी छोटी बाउल और घंटी में आप बहुत सुंदर सा छोटा सा ही डिजाइन बनाते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ मैंने जैसे दो तरह की थालियाँ बनाई हैं, तो एक डिजाइन तो मैंने ये बनाया है और दूसरे डिजाइन में मैंने राउंड तो सेम बनाया है, हाफ सर्कल बना करके नहीं उसको स्टार्ट किया है। छोटा सा हाफ सर्कल बनाने के बाद अपने बॉल चेन, मिरर और हाफ मोती, कुंदन, इनसे मैं अपने डिजाइन को बढ़ाती चली गई। और ये हाफ सर्कल काफी बड़ा बना दिया, देखिए साथ में कॉर्न वर्क भी किया है। और इस तरीके से हाफ सर्कल को पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैंने एक बार और राउंड शेप पर हाफ मोती लगाए हैं और उसके ऊपर ब्लू कलर की बॉल चेन लगाई है। तो ये लगाने के बाद देख सकते हैं आप कितना सुंदर लुक दिख रहा है। जो डिजाइन है वो एक अलग तरीके का बन के आ गया है। जो हमारा प्लेन स्पेस है फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने एक लीफ बनाई है और इसे भी कुंदन, मोती और चेन से किया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा कॉर्न वर्क भी किया है।
इसको करने के बाद में जब इस डिजाइन को मैंने देखा तो ये एक दीपक की तरह भी दिख रहा है और साथ में नारियल की तरह भी डिजाइन दिख रहा है। लीफ वर्क पूरा हो गया, उसके चारों तरफ मैंने गोल्डन कॉर्न से इस तरीके से इफेक्ट दे दिया है। पहले वाली थाली में मैंने साइड में बेल बनाई थी और यहाँ मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर से इस तरह लाइन देते हुए जिगजैग का डिजाइन बनाया है। 5-5 लाइन दी हैं और उसके बीच में व्हाइट कलर की कॉर्न से डॉट्स रखी हैं। येलो कलर की कॉर्न से मैंने एस शेप का डिजाइन बनाया है जो लास्ट में दिया है, साथ ही गोल्डन कलर के फ्लावर भी बनाए हैं जो भी स्पेस खाली है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मैंने ज्यादा हैवी डिजाइन जो हम बॉल चेन और मिरर वर्क या कुंदन वर्क है उसको मैं बहुत ज्यादा एकदम बीच में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमें बाउल और लोटा भी थाली के अंदर रखना होता है, नहीं तो फिर अगर हम पूरे में लगा देंगे तो उन्हें रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा थोड़ा सा प्लेन स्पेस छोड़ती हूँ। थाली की बैक पर भी मैंने डिजाइन बना दिया है जिससे कि वो बैक साइड से भी सुंदर दिखे। डिजाइन बहुत हल्का है पर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जब पूरी थाली तैयार हुई तब लास्ट में मैंने इसके अंदर क्लियर वार्निश की है। आज मैंने जो क्लियर वार्निश की थी वो इसके अंदर वुडन क्लियर वार्निश जो आती है वही की है, एशियन पेंट्स वाली, क्योंकि थाली के अंदर वो वार्निश बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद एक बहुत सुंदर सा ग्लॉसी लुक आता है और वाटरप्रूफ भी हो जाती है। यकीन मानिए मैं तो कम से कम 10-12 साल से यूज कर रही हूँ, मेरी आज तक थाली खराब नहीं हुई। पानी गिर जाए कुछ भी हो जाए लेकिन वो थाली खराब नहीं होती है, ना मेरा कभी कॉर्न बक निकलता है और ना कभी हमारी जो कुंदन वगैरह लगाती हूँ वो कभी नहीं निकलता, क्योंकि मैं हमेशा फैब्रिक ग्लू यूज करती हूँ। छोटे छोटे जो लोटे हैं उनको भी मैंने बहुत ही हल्का हल्का डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है और पूरी थाली मेरी तैयार हो गई है। देख सकते हैं दोनों ही थाली के डिजाइन बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत हैवी लुक में ये थालियाँ दिख रही हैं। चलिए लास्ट में इनको पैक भी कर देते हैं और अच्छे से पैक करके मेरे को जहाँ भेजना था वहाँ ये पहुँच गई। सभी को बहुत पसंद आई फ्रेंड्स, लेकिन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारी पूजा थाली कंप्लीट हो गई है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी थाली अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए तरह तरह की थाली के डिजाइन लेकर आने वाली हूँ। तो अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, एक नए डिजाइन के साथ। बाय बाय।